हाँ वो तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रही। सब कुछ हम ट्राई कर लिए हैं, लेकिन ये नाखून बुझ क्यों नहीं रहा है? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि भस्मिका भस्म होने के बावजूद भी अब तक खत्म नहीं हुई। ये वाला होटल भी कितना अच्छा है, ये वाला भी कितना अच्छा है। हम इस वाले में रुकेंगे या इस वाले में? पतिदेव जी, हम ये वाले होटल में रुके। तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारी इस बेवकूफ बीवी को मत लाया करो ऑफिस में। अब ये सब साफ कौन करेगा? देखा क्या किया इसने? हम कर देंगे ना साफ, आप चुप रहिए। नहीं, अरे आग लग गई। ये दिख रहा है कि आग लगी है, बुझाओ इसे। हाँ तो हम कैसे बुझाएं? तुम बुझाओ ना। कैसे बुझाएं? अबे तुमने देखा ये नाखून पूरा, जितना भी वो आग था सब निकल गया पे। ये तो इसका मतलब है कि भस्मिका अब भी जिंदा है और हमारी सोच से कई ज्यादा खतरनाक भी। अब हम सबको देवी माँ के आगे सच्चे मन से प्रार्थना करनी होगी और माँ की कृपा से ये सब दिए अपने आप जल उठेंगे और इनके जलते ही मोहना के इर्द गिर्द मंत्रों का अदृश्य घेरा पूरा हो जाएगा और मोहना हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। मोहना को हमेशा के लिए यहाँ कैद कर दे। मुझे इसे यहाँ से निकालना होगा और खुद भी निकलना होगा। मैं मंत्रों की इस दीवार को नहीं तोड़ सकती। तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा समझदार निकले। ये सोच तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आई कि तुम पिया बनके भी अंश से शादी कर सकती हो। अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है मोना, अपने आसपास देखो क्या हो रहा है। ये तो वही बांधव का मंदिर है। सही कहा, हमारे पास वाकई वक्त नहीं है। तो जल्दी बताओ क्या करना है मोहना।
वो बुढ़िया कह रही थी अगर ये मंत्रों का घेरा पूरा हो गया तो तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी कभी नहीं निकल पाओगे। तो क्या करें? ये दैविक मंत्र है, कोई दैविक चीज ही इसे तोड़ सकती है। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास पिया का शरीर है तो इसका मतलब दैविक खंजर भी होगा। अब इससे मंत्रों की दीवार को तोड़ो। तो पिया क्या कहती है? समथिंग जय हो मैया की, राइट? हाँ वही। जल्दी करो और इस खंजर को दीवार पे मारो। जय हो मैया की। ओह नो, ये यहाँ कैसे आया? पिया ने अपने पास रख लिया होगा। ये आदि का है, ये हमारे काम आ सकता है। मैं इसे छू नहीं सकती, तुम्हें ही कुछ करना होगा मोहना। जल्दी करो मोहना, वरना हम हमेशा के लिए यहीं फंस के रह जाएंगे। चल मोहना। चलती चलो मोहना, द्वार बंद हो रहा है। तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करो। सारे दिए जल गए, सिर्फ एक माता के चरणों पर जो दिया है वो नहीं जला अभी तक। जयकारा शिरोमणि का, बोल साचे दरबार की जय। मंत्र कवच पूरा हो चुका है। हाँ, देवी माँ की कृपा से जिस काम को पूरा दिन लगने वाला था वो कुछ ही मिनटों में हो गया। अब तुम हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकती मोना। वो कहते हैं ना, बुरे का अंत बुरा ही होता है। अब हमें यहां से चलना होगा। तुमने ऐसा क्यों किया? खुद के बजाय
मुझे बाहर क्यों निकाला? क्योंकि तुम्हारा बाहर रहना ज्यादा जरूरी है। तुम बाहर रह के वो कर सकती हो जो मैं नहीं कर सकती।